सदैम्पटन में खेले गए पहले टी20 में मेजबान इंग्लैंड ने एक तरफा मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका ने पहले खेलते हुए एबी डिविलियर्स और फरहान बेहरदीन के अर्धशतकों के बावजूद सिर्फ 142/3 का स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने 14.3 ओवर में ही सिर्फ एक विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। मैन ऑफ द मैच जॉनी बेयरस्टो ने 35 गेंदों 960 रनों की शानदार पारी खेली। उनके अलावा एलेक्स हेल्स ने 47 रनों की नाबाद पारी खेली और बेयरस्टो के साथ 98 रनों की साझेदारी निभाई। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, लेकिन उनकी शुरुआत बेहद खराब रही। जेजे स्मिथ्स पहली ही गेंद पर डेविड विली की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद दूसरे ओवर में रीजा हेंड्रिक्स 3 और पांचवें ओवर में डेविड मिलर 9 को मार्क वुड ने चलता किया। यहां से कप्तान एबी डिविलियर्स ने फरहान बेहरदीन के साथ 110 रनों की नाबाद साझेदारी निभाई। दोनों ने अपना अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन टीम के रन रेट को नहीं बढ़ा पाए। दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 ओवरों में सिर्फ 142 रन ही बना सकी। जवाब में इंग्लैंड को जेसन रॉय 28 और एलेक्स हेल्स ने 45 रनों की तेज शुरुआत दी। रॉय के आउट होने के बाद जॉनी बेयरस्टो बल्लेबाजी के लिए आए और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से मैच छीन लिया। एलेक्स हेल्स के साथ उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 33 गेंद रहते ही इंग्लैंड ने जीत हासिल कर ली। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से सिर्फ एंडाइल फेलुक्वेयो ने एक विकेट लिया। इमरान ताहिर आज काफी महंगे साबित हुए और 3 ओवरों में 37 रन दिया। इंग्लैंड के लिए आज मेसन क्रेन और दक्षिण अफ्रीका की तरफ से ड्वेन प्रिटोरियस और तब्रेज शमसी ने अपना अंतरराष्ट्रीय टी20 डेब्यू किया। दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की सीरीज का दूसरा टी20 23 जून को टांटन में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है और अगले मैच में जीत हासिल कर वो टी20 सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी।